अभी हम लोग बात की जाए, कल बात हुआ था स्ट्रीम लाइन फ्लो के बारे में, ठीक है। तो स्ट्रीम लाइन फ्लो के बाद आता है अस्तंत प्रवाह, अस्तरीय प्रवाह यानी लैमिनर फ्लो, ठीक है। लैमिनर फ्लो के बारे में बात किया जाए तो यदि कोई सरफेस है, ठीक है, प्लेन लैमिनर है, इसके ऊपर यदि माना जाए कि ये कोई ऐसा प्रवाह हो रहा है जिसमें कई सारे अस्तर हैं, ठीक है, यानी कई सारे परत, ठीक है, और ये परत एक दूसरे के ऊपर ये ऐसे मूव कर रहे हैं, चल रहे हैं, तो इस प्रकार के मोशन को हम क्या बोलते हैं, इस प्रकार के फ्लो को हम लोग बोलते हैं लैमिनर फ्लो या अस्तरीय प्रवाह, ठीक है। तो अस्तरीय प्रवाह क्या है, ऐसा प्रवाह जिसमें हमें माना जाता है कि वह प्रवाह कई सारे परतों से मिलके बना है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं अस्तरीय प्रवाह या लैमिनर फ्लो, ठीक है। क्या कहेंगे, ऐसा धारा रेखीय प्रवाह, ऐसा धारा रेखीय प्रवाह जिसे कई परतों का, ऐसा धारा रेखीय प्रवाह जिसे कई परतों का बना हुआ, जिसे कई परतों का बना हुआ माना जा सकता है, अस्तरीय प्रवाह कहलाता है। ऐसा प्रवाह जिसे कई परतों का बना हुआ माना जा सकता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, अस्तरीय प्रवाह या लैमिनर फ्लो, दैट फ्लो व्हिच इज अज्यूम्ड टू बी एज द फ्लो इन व्हिच देयर आर डिफरेंट लेयर्स, ठीक है। तो ऐसा प्रवाह जिसके अंदर पर कई सारे परतों को माना जा सकता है उसे हम लोग अस्तरीय प्रवाह या लैमिनर फ्लो कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी जो एक परत होता है दूसरे परत के ऊपर स्मूथली ऐसे ही मूव करता है, ठीक है। फिर आता है विश्व, इसको बोलते हैं टर्बुलेंस, तो विशुद्ध प्रवाह में हम लोग क्या कर रहे थे, मान लीजिए कोई ऐसा फ्लो हो रहा है, ठीक है, उसमें कुछ ऐसे हो रहा है, कुछ लोग ऐसे, कुछ ऐसे जा रहा है, ठीक है, रैंडमली, तो इस प्रकार के फ्लो को हम क्या बोलते हैं, टर्बुलेंस फ्लो, ठीक है। इसमें क्या होता है, किसी एक डायरेक्शन में ना जाकर के कोई किसी डायरेक्शन में जाता है, कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है, ठीक है, टर्बुलेंस फ्लो होता है।
कैसे लिखेंगे? तथा द्रव प्रवाह में किसी भी बिंदु पर कोई निश्चित गति नहीं। मान लीजिए कोई पॉइंट है यहाँ पे देखना चाहे तो कुछ समय में कुछ और उसकी वेग होगी, वही पॉइंट पे कुछ समय में कुछ और वेग होगा, ठीक है। तो इस प्रकार के गति को हम लोग क्या बोलते हैं? टर्बुलेंस फ्लो, ठीक है। और इसी प्रकार के जो द्रव होते हैं उसमें भंवर होते हैं, ठीक है। यदि कोई पूछता है भंवर धारा या एडी करंट किसमें बनता है, तो किसमें बनता है? विशुद्ध प्रवाह में। इस प्रकार के प्रवाह में तो कोई ऐसी करंट है जिसमें कोई किसी डायरेक्शन में जा रहा है, कोई ऐसा कंडीशन आ सकता है ये यहाँ पे जा रहा है और यहीं से कोई छोड़ करके जा रहा है, यहाँ से छोड़ करके जा रहा है, यहाँ से छोड़ करके जा रहा है, यहाँ से छोड़ करके जा रहा है, तो इसमें क्या होगा ना, ये एडी करंट का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये एडी करंट जिससे हम क्या बोलते हैं भंवर धारा। और ये पानी को ऐसे गोल गोल राउंड राउंड से ऐसे घुमा देगा, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं एडी फॉर्मेशन या भंवर धारा का निर्माण। तो इसी प्रकार के इस प्रकार के विद्युत प्रवाह में ही टर्बुलेंस फ्लो में ही हमें भंवर का निर्माण होता है, ठीक है। तो रेनॉल्ड एक साइंटिस्ट थे, उस रेनॉल्ड साइंटिस्ट ने ये पता लगाया कि कौन से किस किसी फ्लो में, ठीक है, कोई भी द्रव का प्रवाह हो रहा है तो उसमें किस प्रकार का प्रवाह हो रहा है उसे ज्ञात करने के लिए रेनॉल्ड ने एक एक्सप्रेशन दिया। क्या लिखेंगे? Thank you.
फाइव में किसी फाइव में बनते हैं किसी फाइव में बनते हैं द्रव्य पदार्थ समूह का पता लगाने के लिए नॉन किसी फाइव में बनते हैं द्रव्य पदार्थ का पता लगाने के लिए पता लगाने के लिए संख्या कुछ यदि रो घनत्व तथा बीटा से अंतर ग्रहण को अलग करें बी बी एक्स रो घनत्व यदि रो घनत्व तथा बीटा से अंतर ग्रहण बीटा से अंतर वाला कोई ग्राम यदि भी ग्राम से गति करता है भी वेव से भी ग्रास वाले भी ग्रास वाले पाइप में बाहर यदि रोग होना तो तथा रोग होना तो तथा बीटा से अंतर ग्रहण होना चाहिए ग्रहण बी वेव से बी व्यास वाले पाइप में बन रहा है तब क्या होगा तो रेनॉल्ड्स संख्या का मान रेनॉल्ड्स संख्या का मान यही उन्होंने बताया रोनाल्ड संख्या क्या है तो उन्होंने सबसे पहले इंडस्ट्रियों के लिए एक खोज किया था इंडस्ट्रियों में क्या होता है बहुत सारे पाइपलाइन में बहुत सारे द्रव आते हैं ठीक है तो मान लीजिए उन द्रवों की किस प्रकार का प्रवाह है उसके अंदर कोई भंवर धारा नहीं बन गया है ठीक है या ढेर सारे चीज जो कि उनके अंदर निर्माण होता है वैसा कुछ भी निर्माण नहीं हो गया है उसी को ज्ञात करने के लिए इन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए रेनॉल्ड उन्होंने इसी प्रयोग के दौरान ये ऐसा प्रयोग किया जिसमें उन्होंने एक विमान यूनियन डायमेंशनलेस क्वांटिटी का जन्म दिया जिसे हम लोग बोलते हैं रेनॉल्ड नंबर ठीक है तो रेनॉल्ड नंबर क्या है तो एक ऐसा विमान यूनियन क्वांटिटी जो पाइप में बहते हुए द्रव के प्रवाह के बारे में बताता है कि उसके अंदर स्ट्रीम लाइन फ्लो हो रहा है कि उसके अंदर टर्बुलेंस फ्लो हो रहा है यानी कि उसमें धारा रेखीय प्रवाह हो रहा है विक्षुब्ध प्रभाव हो रहा है इसे ज्ञात करने के लिए उन्होंने एक रेनॉल्ड नंबर रेनॉल्ड संख्या का कॉन्सेप्ट दिया क्या होता है यानी मान लीजिए कोई एक पाइप है पाइप का व्यास यानी कि व्यास पाइप का यदि व्यास यानी डायमीटर यदि डी है और उसमें बहने वाला जो जल है उसकी वेग यानी वेलोसिटी वी है स्मॉल वी और जल है या द्रव है किसी प्रकार का द्रव है तो सबका अलग अलग घनत्व होता है तो उसका यदि घनत्व रो है और उसका विस्कोसिटी कोएफिशिएंट यानी
श्यानता गुणा ईटा है, ठीक है, क्योंकि अलग अलग द्रवों की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, सबका अलग अलग श्यानता गुणांक होता है। तो यदि उसमें बहने वाला कोई भी द्रव जिसका श्यानता गुणांक ईटा और उसकी घनत्व रो और उसमें बहने का वेग उसका वी है, तो हम लोग रेनॉल्ड नंबर को निकाल सकते हैं। रेनॉल्ड नंबर आर एन इक्वल टू होगा आपका रो वी डी अपॉन ईटा, ठीक है, ये रेनॉल्ड नंबर का कॉन्सेप्ट। तो हम जानते हैं कि हमने रेनॉल्ड नंबर पता किया है, रेनॉल्ड संख्या ज्ञात करने के बाद तेरे बारे से पता ज्ञात होना है, पाइप में बचे हुए द्रव पाइप बचे हुए द्रव का पता चलता है कि द्रव में किस प्रकार का फ्लो हो रहा है, ठीक है, टर्बुलेंस है कि नहीं है, एक बार वहां अगर देख लिए पता चल गया, अब उसकी वेलोसिटी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट होता है किस प्रकार का फ्लो। जैसे रेनॉल्ड नंबर है 0 से 2000 तो उसमें कैसा फ्लो होगा, उसे बोलते हैं स्थिर या धारावाहिक प्रवाह, तो उसमें लैमिनर या स्ट्रीमलाइन मोशन होगा, स्थिर या धारावाहिक प्रवाह। रेनॉल्ड नंबर है 0 से 2000 तक है, तो उसमें इस तरह या धारावाहिक प्रवाह होगा, या यदि 2000 से 3000 हो यदि 2000 से 3000 तो उसमें क्या होगा, इसमें यदि मान लो रेनॉल्ड नंबर 2000 से 3000 तक है, तो उसमें कभी लैमिनर फ्लो होने लगेगा या स्ट्रीमलाइन फ्लो होने लगेगा या कभी उसमें टर्बुलेंस आ जाएगा, ठीक है। अब यदि रेनॉल्ड नंबर 3000 से अधिक है, 3000 से अधिक है, तब उसके अंदर हमें विक्षुब्ध प्रवाह देखने को मिलेगा, विक्षुब्ध या टर्बुलेंस। तो रेनॉल्ड संख्या यदि हमें पता है, तो उसके द्रव का हम लोग प्रकार या वेग हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है।
yang di bawah B pertahankan. Jadi bawah B pertahankan. Renal dan sakitnya dia akan renal dan sakitnya. Renal dan sakitnya dia akan jadi perubahan yang pertama terminal sebenarnya ya. Perubahan empat perkara ya. Perubahan adalah pertama ganter Renault nomor yang belum pernah juga Renault nomor pertama tuh lo jangan sampai ya kismen kis perkara flow lagi. कई बात है रेनॉल्ड नंबर चूंकि नंबर है तो नंबर चूंकि नहीं होता है लेकिन हम लोग प्रूफ कैसे कर सकते हैं कि रेनॉल्ड नंबर वास्तव में विमा विहीन क्वांटिटी है ठीक है तो हम लोग पता कर सकते हैं रेनॉल्ड संख्या के बीमा विधि होने की पुष्टि कैसे हम इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कंफर्मेशन ऑफ रेनॉल्ड नंबर इज डायमेंशनल लेस ठीक है कैसे कंफर्म करेंगे तो फॉर्मूले से ही कंफर्म करेंगे आर एन इज इक्वल टू हमने क्या फॉर्मूला बनाया रो B D upon eta ये था Reynolds number का formula ठीक है तो Reynolds number बराबर होगा rho क्या है द्रव का घनत्व rho क्या है द्रव का घनत्व V क्या है उसकी velocity द्रव का वेग ठीक है ये हो गया द्रव का वेग D क्या है डायमीटर ऑफ पाइप ठीक है यानी पाइप का व्यास ईटा क्या है ईटा है श्यानता गुणांक ईटा है श्यानता गुणांक सबकी हम लोग डायमीटर बनते हैं यदि सबकी डायमेंशन यदि डायमेंशन लेस हो जाती है तो हम जान जाएंगे कि रेनॉल्ड नंबर क्या है डायमेंशन लेस क्वांटिटी है तो द्रव का घनत्व घनत्व का क्या होता है डायमेंशन घनत्व क्या होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम यानी एम वॉल्यूम है एल फॉर माइनस द्रव का वेग द्रव का वेग क्या होता है वेलोसिटी है एल डी इनवर्स पाइप का व्यास डायमीटर है डायमीटर में तो लंबाई होती है यल श्यानता गुणांक तो क्या होता है एल इनवर्स डी इनवर्स ये भी है हम लोगों को कौन से अब इसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेट करेंगे यम कितनी बार दिया है एक ही बार दिया है यानी यहाँ पे हो गया यम यल कितनी बार दिया है यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है तो यल तो कितना पावर हो जाएगा यल तो पावर हो जाएगा पहली बार है माइनस थ्री दूसरी बार है प्लस वन तीसरी बार है प्लस वन ठीक है टी पे टी कितनी बार है एक ही बार है तो हो गया टी अपान में बुलाया एन इनवर्स एम एम एन इनवर्स पी इनवर्स चलिए देखते हैं ये माइनस थ्री और वन वन प्लस टू माइनस थ्री प्लस टू कितना हुआ माइनस वन होगा क्या मिला एम एल इनवर्स पी इनवर्स
yang di dalam nomor yang dia mungkin yang dimaksud, dimaksud le saat dia one one ke ada one pertandingan le sudah, na, atau mereka sakti, kira nol nomor dia, eh, satu malam begini tetap mati begini nas, question of जल की श्यानता 0.0015 का से पास्कल से कहते हैं जल 4 से ग्लास के एक बार में बना जल प्रवाह का औसत वेग ज्ञात करके जल प्रवाह अस्थिर औसत वेग क्या है ना बराबर 2 कंडीशन है
पहला लैंडर, लैंडर यानी भारत के अनुकूल जीरो से बहुत ज्यादा, और दूसरा कंडीशन में आयरन क्या होगा, तीन होगा तो पहले ही हमने 2005 से रन नंबर दूसरा करने पहला प्रश्न करता है। पहला होता है आयरन बनाना, रो मिल गई है वहां रो, रो कितना होता है 1000 होता है, तो रो कितना है, यहाँ पे रो लिखते हैं हमने 1000, ठीक है। वी कितना है, वी वी हम लोग को नहीं पता है, वी पता है। डी कितना है, डी है 4 बटा ईटा, ईटा कितना है 0.001 पास्कल, ठीक है। तो लिखते हैं 0.001 पास्कल। तो कैलकुलेशन करेंगे, रेनॉल्ड नंबर को पता है वो कितना है 2000, 2000 हो गया। V की डायरेक्ट यहाँ से वैल्यू हम निकाल सकते हैं, V बराबर क्या लिख सकते हैं, V बराबर हो जाएगा ये Rn, ठीक है, Rn 0.001 डिवाइडेड बाय 10, अब यहाँ देखिए इसी पे जस्ट दूसरा वाला लगा सकते हैं, जो भी हम बता रहे हैं सेम फॉर्मूला रहेगा। दूसरा क्वेश्चन में आरएम के लिए कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा, ये हो गया 3000 बराबर 10^3 गुणे b गुणे 4 गुणे 10^-2 बटे 0.001 0.3 + 0.3 = 0.3 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
पर जब जल प्रवाह विच्छुत होता है ठीक है तरुले जब होता है ठीक है ये तो है लैंडर ठीक है लैंडर में लैंडर में जब होता है तो उसमें नॉन नंबर 2000 होता है तरुले जब होता है तो नॉन नंबर 3000 होता है ठीक है इस प्रकार हम लोग दो दो उसका प्रवाह निकाल सकते हैं ठीक है ओके आज के लिए इतना ही थैंक यू फ्रेंड्स